हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी दो तरह की पाइपिंग कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ अब हम पाइपिंग डालेंगे। तो देखिए, हम दो तरह की पाइपिंग डालेंगे। एक हम स्ट्रेट पट्टी में डालेंगे कैनवास लगा के, और एक हम क्रॉस की पट्टी में डालेंगे पाइपिंग। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ किस तरह से हम तैयार करेंगे उसको। देखिए, हमने पहले अपना कपड़ा कट कर लिया है। ये मेरी स्ट्रेट पट्टी है, मैं आपको सिर्फ डेमो में बता रही हूँ इस तरह से। और बाकी आप जैसे अपने ब्लाउज वगैरह में डालते हैं तो अपना ब्लाउज, जैसे हम नेक कट करते हैं तो पूरा ड्राफ्ट निकाल के और उसके हम पट्टी कट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट करेंगे। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं पट्टियों को दोनों को। तो देखिए, हमने ये कैनवास लिए, इसकी चौड़ाई ली हमने 1 इंच ली। ये हमने स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है हमने, और ये हमने रेड कलर की हम पाइपिंग डालेंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है रेड कलर की। इस तरह से आप किसी भी कलर की पाइपिंग डालें उस कलर की आप इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लीजिए, और कैनवास हमारी 1 इंच चौड़ी होगी। तो देखिए इस तरह से, अब जब हम ब्लाउज वगैरह कट करते हैं तो उसका हमारा इस तरह से ड्राफ्ट निकलता है। तो हम इस तरह से ड्राफ्ट को सेम कैनवास पे रखेंगे और सेम उस पर हम ड्राफ्ट पे कट करेंगे। और यहां से हम इसकी चौड़ाई जो लेंगे वो 1 इंच लेंगे कैनवास की, और पट्टी की हम 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो हमने इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर ली। अब हम पट्टी रखेंगे नीचे। तो देखिए, नीचे मैंने देखिए हमने लाइनिंग भी रखा है और पट्टी भी रखी इस तरह से। और जो हमने पट्टी तैयार की है इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे सीधा, और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे स्ट्रेट। देखिए, हमने सिलाई कर लिया, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसको हम बिल्कुल पतली सी इस तरह से ऊपर रखेंगे, और बाकी हम अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह हमारी बिल्कुल पतली पाइपिंग आई है। देखिए, और यहाँ पे हम 1/2 इंच छोड़ के एक सिलाई और करेंगे। देखिए इस तरह से, तुम्हारी देखिए कितने अच्छे से हमारी पाइपिंग आई है। तो आप पीछे भी देखिए इस तरह से। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरी तरह की पाइपिंग बताती हूँ किस तरह से डालते हूँ। देखिये, मैं दूसरी पट्टी भी कट कर ली, नीचे हमने लाइनिंग भी रखा है इसके नीचे। और देखिए, अब हम क्रॉस में क्रॉस की पट्टी से पाइपिंग डालेंगे। तो हमने ये क्रॉस में पट्टी कट करी है 1.5 इंच चौड़ी। तो देखिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रेट सिलाई करेंगे। और इसी तरह आप अपने नेक में, स्लीव में या फिर कुर्ती में भी इसी तरह पाइपिंग डाल सकते हैं क्रॉस की पट्टी कट करके। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर ली। अब इसे हम अंदर पलटेंगे। देखिए इस तरह से, और इसमें हम इस तरह से पतली सी पाइपिंग रखेंगे ऊपर और सिलाई करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे पाइपिंग डाल दी। अब हम इस पे भी सिलाई करेंगे। तो इससे हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे।
देखिए इस तरह से हमने अभी भी सिलाई कर दी, तो आप इसी तरह ये दोनों पाइपिंग डाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारी दोनों पाइपिंग पड़ी है, तो आप इस तरह से ही पाइपिंग डालें और इस पर आयरन भी कर सकते हैं, तो आयरन से भी हमारी पट्टी पलटेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि हमारी पाइपिंग पलटती है आयरन करने के बाद, तो आप इस पर भी आयरन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी कोई पट्टी नहीं पलटेगी हमारी। तो आप इस तरह से ये नेक में पाइपिंग डाल सकते हैं, कुर्ती में, नेक में, स्लीव में, इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है दोनों मेरा। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये पाइपिंग आपकी किस तरह से पड़ी है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसी।